जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो है हमारी अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दोस्तों ये ट्रेन हर मंडे और थर्सडे को शाम के 4:30 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से चलती है और ठीक अगले दिन सुबह 9:15 बजे मुंबई के बांद्रा टर्मिनस हमें पहुंचा देती है। ट्रेन की बाकी पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, तो चलिए फटाफट से इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अभी आ चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और मौसम यहाँ का बहुत ही बढ़िया हो चुका है और हमारी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर शंट हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल रेलवे की अपनी राजधानी यानी हजरत निजामुद्दीन मुंबई CSMT पुष्पुल राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर शंट हो रही है। और इसी के साथ वक्त हो चुका था शाम के 4:30 और हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का डिपार्चर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हमारी पुष्पुल राजधानी अपने डिपार्चर का वेट कर रही थी, जिसका टाइमिंग था 4:55 पर। और हम अब पहुंच चुके थे दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर्स दूर तुगलकाबाद, जहां से हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ने अपनी मैक्स परमिसिबल स्पीड यानी 130 को टच कर लिया था। हम अब एंटर हो चुके थे हरियाणा में और अब बारी थी फरीदाबाद के हाई स्पीड स्किप की। फरीदाबाद के आगे हमें मिलती है न्यू दिल्ली पलवल EMU, जिसका पैरेलल ओवरटेक देखकर तो मजा ही आ गया। दोस्तों इसी खूबसूरत शाम और तेज़ रफ्तार सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके थे अब उत्तर प्रदेश, जहां हमारी मुलाकात होने वाली थी मदुरई से हजरत निजामुद्दीन की तरफ जाने वाली तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से। तो दोस्तों जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन मथुरा जंक्शन की तरफ बढ़ रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि हमारी ट्रेन जो है वो मथुरा जंक्शन का स्किप करती है या वहाँ पे अनशेड्यूल्ड हॉल्ट लेती है।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारी ट्रेन ने मथुरा जंक्शन का एक मीडियम रफ्तार में स्किप कर दिया है और अब हमारी ट्रेन जो है वो मथुरा से कोटा वडोदरा होते हुए अहमदाबाद मुंबई की तरफ जो लाइन जाती है उसको ज्वाइन कर रही है। ऐसे मथुरा को जंक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन मथुरा से सीधा आगरा भोपाल होते हुए भी वो मुंबई की तरफ आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम अभी स्किप कर रहे हैं धौरमुई जगीना रेलवे स्टेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि हम अब राजस्थान में एंटर हो चुके हैं और अगले कई घंटे हम राजस्थान में ही गुजारने वाले हैं। तो चलिए एक हाई स्पीड रन के साथ राजस्थान के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लिया जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने राजस्थान के हाई स्पीड रन और खूबसूरत नज़ारों को बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, एक हाई स्पीड और नॉन स्टॉप जर्नी के बाद हम अब पहुँचने वाले हैं हमारे पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट, जो कि दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर राजस्थान का कोटा रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, राजस्थान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े रेलवे स्टेशन यानी कोटा जंक्शन में आपका स्वागत है और हम यहाँ पहुँचे हैं अपने शेड्यूल टाइम से 25 मिनट्स की देरी से। दोस्तों, कोटा राजस्थान और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और ये जंक्शन है क्योंकि यहाँ से मुंबई न्यू दिल्ली मेन लाइन के अलावा कोटा बीना लाइन और चित्तौड़गढ़ लाइन भी गई हुई है और ये एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसलिए आपको यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। दोस्तों, करीब 9 मिनट कोटा स्टेशन पर रुकने के बाद हमारी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ने अब कोटा से अपना डिपार्चर ले लिया है और हमारा अब जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो सीधा 550 किलोमीटर दूर यानी गुजरात का वडोदरा होने वाला है।
कृपया ध्यान दीजिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं गुजरात के वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और हमारी ट्रेन जो है यहाँ एकदम ऑन टाइम पहुंची है और ऑन टाइम उसका डिपार्चर भी हो चुका है। और दूसरे साइड न्यू दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस वडोदरा जंक्शन में एंटर कर रही है। दोस्तों, ये राजधानी का जो शेड्यूल टाइमिंग है वो हमारी ट्रेन से पहले यहाँ पहुँचने का है, लेकिन वो ट्रेन लेट हो गई है और हम यहाँ पहले पहुँचे हैं। लेकिन आप घबराइए मत, बस कुछ ही दूर हमें ओवरटेक ज़रूर पड़ेगा। दोस्तों, अभी के लिए तो हमने राजधानी को पीछे छोड़ दिया है और वडोदरा जंक्शन को बाय बाय भी कह दिया है। देखते हैं अब आगे कहां हमें ये राजधानी ओवरटेक करती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजधानी का ओवरटेक हमें ज़रूर पड़ेगा, तो अभी हमें गुजरात के काशीपुरा सरार पे लूप लाइन पे लगा दिया गया है। दूसरे साइड से हमें अहमदाबाद की तरफ जाने वाली पुणे अहमदाबाद दुरंतो एक्सप्रेस ने हाई स्पीड में क्रॉस किया। तो फाइनली दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि हमें किंग राजधानी से पीछे होना ही पड़ेगा। भैया, किंग राजधानी से एक ब्रूटल ओवरटेक खाने के बाद हमारी ट्रेन फिर चल पड़ी है एक हाई स्पीड रन की तरफ। तो दोस्तों, हम अभी हैं गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर और अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से हमारी संपर्क क्रांति का जो डिपार्चर है वो यहाँ से हो चुका है।
दोस्तों हम अभी स्किप कर रहे हैं उंबरगांव रोड और यहाँ पे गुजरात स्टेट ख़त्म होता है। ये लास्ट रेलवे स्टेशन है गुजरात का मुंबई की तरफ। तो दोस्तों हम अब आ चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट में और हम अभी स्किप कर रहे हैं बोडी रोड रेलवे स्टेशन, जो कि पहला रेलवे स्टेशन पड़ता है अगर आप दिल्ली गुजरात से मुंबई की तरफ आएंगे तो। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग एंटर हो चुके हैं मुंबई सबर्ब्स में और अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं विरार रेलवे स्टेशन और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं जो कि सुबह सुबह की मुंबई लोकल पकड़ने के लिए लगी हुई है।
फाइनली दोस्तों एक लॉन्ग और हाई स्पीड जर्नी जो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हमने की वो अब ख़त्म होने को है और हम लोग अभी बांद्रा टर्मिनस यानी अपने डेस्टिनेशन में एंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है इसको बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी लगाया जा रहा है और हमारी जो ट्रेन है यहाँ पर अपने शेड्यूल टाइम से 5 मिनट बिफोर यानी 9:10 पर ही पहुँच गई है। तो चलिए दोस्तों अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई है तो इस जर्नी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।